अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हर्षद सादात और आप देख रहे हैं सादात फिक्स। नाजरीन, बॉलीवुड अदाकार फिल्मों में अदाकारी के अलावा भी बहुत से जराए से पैसे कमाते हैं। इन जराए में ब्रांड्स की तशहीर, कमर्शियल्स करना, मॉडलिंग करना शामिल होता है। लेकिन सबसे अहम जरिया एक और है, जो कि शादियों में शिरकत और डांस का है। बॉलीवुड के मरूफ अदाकार बड़ी शादियों में शिरकत और इनमें डांस करने के लिए भारी मुआवजे का मुतालबा करते हैं। बॉलीवुड की इन अदाकारों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन इनमें सरफरिश शाहरुख खान, दीपिका पडिकोन, सलमान खान का नाम शामिल है, जो कि सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। कैटरीना कैफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा कैटरीना कैफ एक शादी में शिरकत और इसमें डांस करने के लिए 3.5 करोड़ भारतीय रुपये मुआवजा लेती है। शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी शादियों में डांस करते हैं, जिसके लिए वो तकरीबन 3 करोड़ मुआवजा लेते हैं। हृतिक रोशन। बॉलीवुड के हृतिक रोशन शादियों में डांस करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी 5 करोड़ से ज़ायद बनते हैं। अक्षय कुमार। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार, जो कि अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, मुआवजे के अवज शादियों में डांस भी करते हैं। नाजरीन, अक्षय कुमार एक शादी में डांस करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये लेते हैं। सलमान खान। बॉलीवुड की दबंग हीरो भी शादी में डांस करते हैं, जिससे वो 2 करोड़ कमा लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा यानी देसी गर्ल भी शादियों में डांस करती हुई नजर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शादी में डांस करने के लिए अदाकारा 2.5 करोड़ लेती है।